सभी गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का वादा करने वाले देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जब 7 वर्षीय घुमंतू जाति की लोहा पीटा परिवार की बेटी नंदिनी ने वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर कहा कि मामा हमें भी मकान दिला दो, हमारी झोपड़ी में सांप बिच्छू निकलते हैं, कच्चे झोपड़ी में पानी भर जाता है। इस मार्मिक अपील का असर हुआ और मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री और दतिया जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ अपने वादे के मुताबिक इंदरगढ़ पहुंचे और लोहा पीटा परिवार सहित उस बेटी से मिले। मिलते ही मंत्री बोले, हमें मामा ने भेजा है, हम तुम्हें मकान दिलाने आए हैं। गरीब लोहा पीटा परिवारों ने अपने बीच मंत्री को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वे सभी खुशी से झूम उठे और कहा कि गरीब परिवारों के दुख दर्द खत्म करने मंत्री जी खुद आए हैं, अब उन्हें प्रधानमंत्री आवास जरूर मिलेगा। लोक निर्माण मंत्री और दतिया जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ ने इंद्रगढ़ पहुंचकर बिटिया नंदिनी और उसके परिवार वालों से मुलाकात की। बेटी नंदिनी को माला पहनाई और कहा, पढ़ाई करो और उन्नति करो, सरकार से पूरी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने पर नगर परिषद के अधिकारियों से पूछा तो उन्हें बताया कि आवास स्वीकृत है, जैसे ही भूमि पट्टा मिल जाएगा उसी दिन इनके खातों में पैसा डाल दिया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने 9 दिनों में प्रधानमंत्री आवास दिए जाने का भरोसा दिया। मेरा नाम प्रताप लोटीटा है। आज मंत्री जी आए थे, आप क्या कहा उन्होंने, क्या कहा? मंत्री जी आए थे, हमको बहुत बड़ी खुशी हुई और मेरी बच्ची ने एक वीडियो वायरल किया था, वो उसको देख कर मंत्री जी आए थे और मुझे बहुत खुशी हुई और वो लोग 8 दिन की बोल चुके हैं कि 8 दिन में आपको आवास मिल जाएगा। अब देखो, हमको 8 दिन में आवास मिल जाएगा, हमें बहुत खुशी की बात है। कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? यहाँ हमें बहुत साल हो चुके हैं, 20-25 साल हो चुके हैं यहाँ। आवास अभी तक क्यों नहीं मिला, क्या कारण है? आवास हमारे आ चुके हैं लेकिन अभी तक हमें जगह का पता नहीं है, जगह नहीं दी गई। अब मंत्री जी आए तो आपको कैसा लगा कि आप आवास मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? देखो, मंत्री जी आए थे, अब तो विश्वास सा लग रहा है कि मंत्री जी आए थे तो हमको दिलाएंगे। वो वादा कर गए कि हम आपको 8 दिन के 8 दिन अंदर आपको जगह दिलवा के और आवास बनवा के देंगे। यहाँ पर कह गए क्या मंत्री जी से और शिवराज सिंह से क्या कहना चाहोगे? शिवराज सिंह से हम तो यही कहना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमको गरीब लोग हैं, हम लोग पानी में डले रहते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा ये काम पूरा हो जाएगा, बहुत बहुत बधाई है। आपको घर मिल जाएगा तो खुश हो? बहुत खुश हूँ। मामा से, शिवराज मामा से क्या कहना चाहोगे? शिवराज मामा को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं बेटी को तो धन्यवाद दूंगा, सबसे पहले मैं मीडिया के भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि आपने तत्काल उस वीडियो को डाला, हम सब ने उसको देखा और जैसे वीडियो को मैंने देखा तत्काल मेरे मन में आया, मैं जिलाध्यक्ष जी को दतिया बात की कि इस स्पॉट पर स्थिति क्या है। अध्यक्ष जी ने मेरे को बताया वाकई रहने को जगह नहीं है, तो मैंने अध्यक्ष जी से कहा कल अपन मीटिंग लेने आ रहे हैं, वो तत्काल अपन बेटी के घर चलेंगे। तो अब हमने अपना वादा नवाया, हम बेटी के घर आए और बेटी के घर आके बाकी मैंने स्थिति को देखा तो बाकी बेटी को सोने की तो बात छोड़ो, बैठने के लिए जगह पर्याप्त नहीं है। मैंने तत्काल तहसीलदार को बुलाया और हमारे नगर पंचायत के सीएम को बुलाया, दोनों अधिकारियों ने मुझे को आश्वासन दिया है कि 8 दिन के भीतर हम उनको जगह देंगे, पट्टा देंगे और 90 दिन बहन के खाते में हम पैसा डालेंगे जिससे बहन की कुटी बनेगी। फिर भी मैंने मेरे को दिक्कत बताई कि वहाँ कीचड़ अधिक है, तो मैंने वादा किया और सीएमओ को भी ऑर्डर किए कि वहाँ तत्काल हम बजरी और बोल्डर डरा के रोड भी बना के बेटी को देंगे और उनकी कॉलोनी जहाँ है वहाँ जगह देंगे, कुटीरें बना के देंगे। तभी मन को तसल्ली हुई जब बेटी को मैं घर बना के दे दूँगा और जब घर बन जाएगा बेटी का तो मैं पुनः दोबारा बेटी के घर को देखने जरूर आऊँगा पूरी टीम के साथ। मतलब जी, जैसे कि आज आप यहाँ पे आए तो आज आपके आने के पहले आपने यहाँ सड़कों की दिशा देख ली है, गिट्टी मुरम वगैरह जो है डलवा दी गई, इससे पहले जनता के लिए क्यों नहीं किया जाता है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, समय समय पर आप लोग मुझे अवगत कराते हो, जितनी शिकायत मेरे को दतिया में जब जब मैं आता हूँ मिलती हैं तो उनमें हर बार मैं कुछ ना कुछ सुधार जरूर कराता हूँ। ये सही है कि जहाँ मंत्री जाता है तो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं, पूछ देते हैं, लेकिन सब पूरे मध्य प्रदेश में रोडों की हालत देखिए कि वाकई मकबल जैसी रोड है। रोड देखते तो 20 साल पहले जाइए,
तो ना रोड का पता लगता, ना गड्ढे का पता लगता था। आज हमने जितनी रोड डाली है, सुपर रोड हम डाल रहे हैं, और जहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत है वो रोड को हम सही कराए। नगर में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट है, और सीएम राइट एक जो है विद्यालय में एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें बच्चे किताबें हाथ में लेकर और कपड़े ऊपर करके उसमें इतना पानी भरा था कि बच्चे जा रहे हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सीएम राज स्कूल पूरे मध्य प्रदेश में एक से एक सुपर सीएम राज स्कूल की व्यवस्था हमने की है, और सारे सीएम राज स्कूलों को जाके मैं देखता हूँ, उसमें अच्छी व्यवस्था है। जबकि आपने मुझे अवगत कराया, तो उस पर मैं ध्यान करूंगा और तत्काल में अभी अधिकारियों को बात करता हूँ मीटिंग में। बिल्डिंग के लिए हमने पैसा डाल दिया, नई बिल्डिंग बन नहीं पाई, इसलिए हमने पुरानी बिल्डिंग में व्यवस्था की है। तत्काल हमने बिल्डिंग बना के आपको, और दतिया की बात करते हो, दतिया में विकास इतना हुआ, मध्य प्रदेश में कोई विधानसभा में नहीं था।